हाउ टू एड यूपीआई आईडी इन गूगल प्ले स्टोर। दोस्तों अगर आप लोग भी प्ले स्टोर का इस्तेमाल करते हैं और प्ले स्टोर में अपना यूपीआई आईडी को ऐड करना चाहते हैं तो इस पूरी वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं किस तरीके से आप अपनी यूपीआई आईडी को प्ले स्टोर में ऐड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्च यूट्यूब चैनल। चलिए सीखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग भी प्ले स्टोर में अपनी यूपीआई आईडी को ऐड करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस पूरी वीडियो को बिना स्किप कर देखते रहिए। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जो प्ले स्टोर का एप्लीकेशन है उसको आपको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ऊपर अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में तो यहाँ आपको एक प्रोफाइल पिक्चर देखने को मिलता है जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऐसा गोल गोल। आपको सिंपल इस गोल गोल पे क्लिक करना होता है। चलिए क्लिक कर देते हैं। जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिलता है। जैसे यहाँ आप देख पाएंगे यहाँ आपकी जो मेल आईडी है वो आपको देखने को मिलती है और यहाँ आपके सामने कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर लिखा होता है पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन। सिंपल आपको करना क्या होता है, ये लिखा हुआ है पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन, इस पर क्लिक करना होता है। जब आप क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर लिखा हुआ है पेमेंट मेथड। सिंपल आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पेमेंट मेथड, आपको सिंपल पेमेंट मेथड पर क्लिक करना होता है। जब आप क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ आपके सामने कई सारे ऑप्शन आते हैं जिस पर लिखा हुआ है ऐड टू क्रेडिट डेबिट कार्ड, ऐड बैंक अकाउंट विद भीम यूपीआई और ऐड नेट बैंकिंग और रैंडम कोड। तो यहाँ आपको क्लिक करना होता है, इस पर लिखा हुआ है ऐड बैंक अकाउंट विद भीम यूपीआई, आप देख पाएंगे ये लिखा हुआ है। सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है। अब जो भी आपकी यूपीआई आईडी है गूगल पे की, फ़ोनपे की या पेटीएम की, वो आपको अगर देखना नहीं आती है तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, उस पर आप जाके अपनी यूपीआई आईडी कैसे देखते हैं वो देख सकते हैं। उसकी लिंक भी मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि किस तरीके से आप गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम की यूपीआई आईडी देख पाएंगे। अब यहाँ आपको दोस्तों अपनी यूपीआई आईडी डालने के लिए करना क्या होता है, आपका जो भी यूपीआई आईडी वो डाल दीजिएगा। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे यूपीआई आईडी डालने के बाद सिंपल ऐड पे क्लिक करना होता है। जब ऐड करते हैं तो लिखाता है एडिंग यूपीआई आईडी टू गूगल अकाउंट, तो आप देख पा रहे हैं कुछ सेकंड यहाँ वेट करना होगा आपको। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपकी यूपीआई आईडी आपने डाली हुई थी वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इस तरीके से आप गूगल प्ले स्टोर में अपनी यूपीआई आईडी को ऐड कर सकते हैं। अगर कभी इसको आप रिमूव करना चाहें तो ये कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा तो आप सीख गए होंगे किस तरीके से आपको अपनी यूपीआई आईडी को गूगल प्ले स्टोर में ऐड करना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो मैं आपसे अनुरोध का निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो भी भाई और बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही कई सारी वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।